आज देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा समेत देश के अलग अलग राज्यों में हुई ऐसी घटनाओं का बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर से अब शांति की खबरें आ रही हैं, देश उनके साथ है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस की बधाई देकर किया। उन्होंने कहा कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। जय हिंद। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहती है। ये पहली बार है जब पीएम मोदी ने अपने किसी संबोधन में मणिपुर हिंसा और देश की अन्य हिंसक घटनाओं का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए अपना शोक भी व्यक्त किया। जनसंख्या की दृष्टि से भी